हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न विद संध्या शिक्षिवी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन द वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हमें लेंथ दे दी गई है, ब्रेथ और हाइट दी है। ठीक है, और उसमें हमें क्या निकालना है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे भी लिखा है, तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब बताया था। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने फिर से एक बार और बता देती हूँ आपको। तो जैसे कि जो पहले लिखा रहता है, जैसे कि पहले लिखा रहेगा लेंथ, तो ये आपकी लेंथ रहेगी। ठीक है, फिर आपका दूसरे नंबर पर लिखा है ब्रीथ, तो ये ब्रीथ रहेगी। ठीक है, उसके बाद दिया रहेगा आपका हाइट, तो लास्ट वाला जो है वो आपका ये हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे वो चीज़ दी रहेगी वैसे वैसे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमें अपना लेंथ, ब्रीथ और ये आपका हाइट मिल गया। ठीक है, ये हाइट हो गया। अब इसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट करना होगा वॉल्यूम। ठीक है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं अब हम। तो ये 5a ब्रैकेट में करके, ठीक है, उसके बाद 3a पावर 2 है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट में कर लेंगे 7a4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम कर लेते हैं, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 3 जा तो होता है 15, 15 7 जा 105, तो 105। ठीक है, और ए इसमें कितनी बार है, देखिए एक यहाँ है और यहाँ 2 बार है, 3 बार हुआ और यहाँ 4 बार है। ठीक है, 4 बार है, तो 4 3 7, तो ए की पावर हो जाएगी 7। ठीक है ना, ए जो 7 times है, इसलिए ए की पावर 7 हो गई। तो अब सेकेंड वाला पार्ट देखिए, इसमें भी वैसे ही ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रीथ और ये हाइट। वॉल्यूम निकालना है हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे 2p। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में भरेंगे 4q, फिर 8r को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसको इंटू कर लेते हैं, तो 4 2 जा तो 8 हो गया है, और 8 8 जा होता है आपका 64। ठीक है, तो ये आपका 64 हो गया। अब P एक बार है तो ये P हो गया, Q एक बार है तो Q भी एक बार हो गया, फिर R एक बार है तो R भी एक बार हो गया। ठीक है, सेकंड का भी हमने निकाल लिया वॉल्यूम। अब चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में भी ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अब इसमें भी वॉल्यूम हो गया, ये आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो ये आप ब्रैकेट में कर लीजिए सबको, उसके बाद हम इंटू करेंगे ना, फिर 2x की पावर y, फिर 2xy की पावर 2। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको इंटू कर लेते हैं। तो 2 2 जो क्या होता है आपका 4 होता है, तो ये आपका क्या होगा, 4 हमने पहले लिखा। अब देखेंगे x कितनी बार है, देखिए एक बार यहाँ पे एक बार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी 3 हुआ, फिर x यहाँ पे एक, तो x की पावर हो गई 4। अब y कहाँ कितनी टाइम्स है, तो y भी आपका 4 times ही है। देखिए 2 times यहाँ पे है, 1 time यहाँ और 1 time यहाँ। ठीक है, तो y की पावर भी हमारी 4 times हो जाएगी। ठीक है, y की पावर भी 4 हो गई। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए फोर्थ वाला भी करते हैं हम। तो ये वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब ये आपका ए हो गया लेंथ, फिर ये 2b आपका ब्रेथ, और 3c आपका हो गया हाइट। ठीक है, तो अब इसको इंटू करेंगे, तो 3 2 जा तो हो गया आपका 6। अब एक ए कितनी बार है, एक बार है, बी भी एक बार है, फिर सी भी एक बार है, तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम।
ठीक है। तो हमारा सारा क्वेश्चन हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।